एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से, तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी। वो दोनों काम कर रहे थे और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। मेरे दो सिपाही जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज़ किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कॉन्स्टेबल्स पे चढ़ाने की, मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की। और सेल्फ डिफेंस में, जैसा कॉन्स्टेबल्स ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन पे लगी है और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। ये एक प्योर अपराध की श्रेणी में आता है। हमने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है और उनको आज शाम तक हम बर्खास्त कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को सेल्फ डिफेंस का प्ली लेते हुए ये नहीं है कि वो एक्सीड कर जाए कि पब्लिक परसेप्शन थ्रेट का कितना है। और मैं समझता हूँ कि ये हत्या का प्योर मामला है जो मेरे पुलिसकर्मियों ने किया है और इसी के कारण उसको हत्या के मुकदमा के दर्ज करके उन्हें। सर, आपको नहीं लग रहा कि कहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि गनशॉट इंजरी से उसकी हत्या। पुलिस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हम लोग उस पर सख्त कदम उठा रहे हैं और जहां पे भी अगर पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं तो उन्हें न केवल गिरफ्तार किया जाता है, न केवल उन्हें सस्पेंड किया जाता है, बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाता है। और कई ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें हमने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनफैक्ट मेरा सीधा संवाद पुलिसकर्मियों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिसकर्मी जो है वो समाज की सेवा के लिए हैं, न कि किसी को रक्षक या भक्षक की श्रेणी में आने के लिए।